ओड शेष जाकी हितु चित्रमई तेह नाम हनुमंत सिंह सो रहे चितवत अठो जान। उधर तां जड़ी लड़की है राजे दी ओदा सारी ध्यान बुड्ढे वाला है। क्या तय हो भी राजा किस तरीके ना मर जावे मुंडा रह जावे मैं इनू ही पल लां। ओदी सुरती ऐ रहन लगी ध्यान कुदरती सी ओदा ध्यान रहना ओदी जिंदगी तां सुआह हो गई ना ओ तां जिउंदे मर गई। ये बहुत बड़ा पाप सी। यह जे पाप पाप होंदे ने। उधर की कीता वो जड़ा मुंडा हैगा हनुमंत सिंह ओनू पढ़न वास्ते पढ़ाउन वास्ते एक पंडित रख लिया उन्हें घर जिवें और लड़कियां दे वास्ते रखते ही होंदे ने पढ़ाउन वास्ते एक पंडित रख लिया सौंप्यो दिज ग्रह माहे क्योंकि 12 साल बालपन हुंदी है फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू करते हैं बालपण के पढ़ाई नहीं शुरू करते जी राज करन वाली पढ़ाई है वो उपर है उपरली। एक दिज पंडित लिया के उन्हें घर च पक्का ही रख लिया। एक मास ताको सो कहे ओ दिज भर बोल्यो नाहे दिज ओ जड़ा पंडित सी उन्हें एक महीना तक उन्हें पढ़ाउंदा रहा उन्हें हूहां का जवाब ही नहीं दिता हंगारा ही नहीं भरिया मुंडे ने है मुंडे ने हनुमंत सिंह सो रहे चित पदार्थो जाम पढ़न हेत ताको निरपद सौंप्यो दिज ग्रह माहे। हाँ हाँ अपने घर च एक पंडित रख लिया भी मेरे मुंडे नू तू अगली पढ़ाई जड़ी है राज किवें करना ये पढ़ाई पढ़ा क्योंकि राज करन वास्ते कानून भी पढ़ना पैंदा है शास्त्र जड़े ने सिमरत शास्त्र के कानून ने सारे पढ़ने पैंदे ने सिमरत शास्त्र दे नाले राज करना होर कदे ना करना शासन तो ही शास्त्र बने। हाँ जी चौपाई राजे निज सुत निकट बुलायो दिजबर ताहे संग लै आयो। जद राजे नूं तां पंडित ने दस्या भी लड़का मैं पढ़ाउणा रोज जाना मैनूं हंगारा ही नहीं भरदा उह तां मैनूं नहीं पता पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा जद अगों जवाब है कोई नहीं की पता पढ़ता नहीं पढ़ता तां राजे ने कहा भी मेरे को लिया बुला के तो पंडित उन्होंने राजे को लै गया बुला के दिजबर लैके आया राजे को दिजबर ताहे संग लै आयो संग जिवें प्रहलाद नूं लैके आया सी संडा मरका संडा मरका यही प्रहलाद है वो थोड़ा जा छोटा सी बड़ा है। हाँ पढ़ो पढ़ो देखो प्रहलाद भी भगता है भी भगता है हनुमंत सिंह प्रहलाद वाली गल है लैके आया इतने चुप है प्रहलाद चुप नहीं सी ये चुप है प्रहलाद चुप नहीं सी वो प्रगट भगत सी यह गुप्त भगत है ये भगत बन सकता सी पर पंडित ने भगत नहीं सी बनाउणा पंडित जिहड़ी पढ़ाई पढ़ाउंदा सी उहदे मतलब दी नहीं सी तां नहीं सी बोलदा उहने विरोध करता सी प्रहलाद ने विरोध करता सी विरोध तां नहीं करता क्योंकि वह नारद ने पढ़ाता सी तां नहीं विरोध करता ये नारद ने पढ़ाया नहीं ये पढ़िया पढ़ाया जमया सी इहदे जो अंतरात्मा की आवाज सी उहदे नाल पंडित की गल मेल नहीं सी खांदी तां नहीं सी बोलता इहदे अपने अंदर जिहड़ा ग्यान सी सच दा सच्चा सुच्चा पंडित वाला ग्यान कपट वाला सी तां नहीं सी बोलता वे तां मैनूं होर पढ़ाई पढ़ाउंदा ये तो आचरणहीन वाली पढ़ाई पढ़ाउंदा ये तो मैनूं सच नाल तोड़दा घेरदा मेरी बुद्धि नूं मलीन करदा वो तां चुप सी विरोध भी नहीं सी करदा उहदी गल नूं मनदा भी नहीं सी फिर राजे कोल लैके आया पढ़ो पढ़ियो गुण छितपत कहियो सुन सो बचन मोन है रहियो वो कहना भी गल मेरी सुनता है मैनू नहीं पता पढ़िया पढ़िया की है ना पढ़िया मेरी गल सुन के चुप कर जाता है बचन मोन हवै रहे सुन सो बचन मोन हवै रहे मेरी गल सुन लैंदा चुप हो जाता है मैनू नहीं पता वो ये मनदा है या नहीं मनदा
ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਦ ਚੁੱਪੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਲੈ ਤਾਕੋ ਰਾਜੇ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਪਿਆਨ, ਸਖੀ ਸਹਿਬ ਠਾਡੀ ਜਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪਰੀ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪੰਡਤ ਤੋਂ, ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਤਾਕੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਪਿਆਨ, ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹ, ਸਹਿ ਸਖੀ ਠਾਡੀ ਜਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਪਰੀ ਸਮਾਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਘਲਾਉਂਗੀ, ਆਪ ਲੈ ਗਈ। ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਮਰੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਟਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਦੋਤਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੋਲਤ ਸੁਤਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੋ ਨਿਰਪ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਏ, ਹਾਂ ਚਿਤਰਮਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਲਵਾਏ। ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਚਿਤਰਮਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਚਿਤਰਮਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਲਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੂੰ।